हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दुष्यंत। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, इसीलिए वीडियो देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रूमिंग एसेंशियल्स, व्हाट मेन मस्ट हैव। ग्रूमिंग का मतलब होता है, पहले ये थोड़ा सा हैवी टर्म है, थोड़ा सुन लो, मेरे को पहले नहीं पता था, अब जब से इस लाइन में आया हूं तो थोड़ा सीख गया हूं। ग्रूमिंग का मतलब होता है जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को साफ सुथरा या फिर अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, अपने हेयर, अपने नेल्स, अपने फेस, अपनी स्किन को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, उसको हम ग्रूमिंग में कंसीडर करते हैं, मतलब उसको हम ग्रूमिंग बोलते हैं। तो ग्रूमिंग एसेंशियल्स मतलब आपके पास अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ये वाली चीज़ें होनी ही चाहिए। सबसे पहले नंबर पर परफ्यूम और डिओड्रेंट। परफ्यूम ले लो या फिर डियो ले लो, जिस हिसाब से आपका बजट है उस हिसाब से ले लो। डियो आपका 150 से लेकर 200 रुपये के अंदर आ जाएगा, वो लगभग मेरा करीबन 2 महीने चल जाता है। परफ्यूम थोड़ा सा महंगा आएगा, बट ऐसा नहीं कि इतना भी ज़्यादा महंगा आएगा। मैं अगर आप मेरी रील्स जाके चेक करोगे तो परफ्यूम लगभग 300 रुपये के अंदर मैं आपको दिलवा दूंगा आराम से। तो परफ्यूम और डियो के क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले डियो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। अब जैसे मैं सिविल इंजीनियर था तो मेरा काम था पूरा धूप धूल मिट्टी पसीने का, तो मैं अपने साथ परफ्यूम कैरी नहीं कर सकता था। मैं यूज़ करता था डियो, जो कि मैं हमेशा अपने बैग में डालता था। तो डियो आपका जिम में काम में आ जाएगा, और अगर मेरी जैसी आउटडोर फील्ड जॉब थी उसमें आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ रहेगी डिओड्रेंट। दूसरी बात है परफ्यूम की, जैसे कि मैंने आपको बताया परफ्यूम महंगे नहीं आते। तो परफ्यूम का ये है कि अगर आप कहीं नाइट आउट पर जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, इवेंट में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, डेट पे इवन दोपहर में भी जा रहे हो, तो आप परफ्यूम, मैं आपको सजेस्ट करूंगा परफ्यूम लगा के जाओ, क्योंकि डियो की जो फ्रेग्रेंस है ना वो जल्दी उड़ जाती है, और परफ्यूम की थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो डेट पे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा अगर आप ये चीज़ें लगाओगे। अब सवाल आता है कि हम क्यों लगाएं, हम तो नेचुरली अच्छे हैं। तो परफ्यूम और डिओड्रेंट इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है कि मान लो अगर आप एक अंधेरे रूम में हो, लाइट बंद है, आपको नहीं पता सामने लड़का आएगा या लड़की आएगी, उसने गेट खोला, वो एकदम से अंदर आया, बाई चांस एक अच्छी सी स्मेल आई, तो आप कहोगे यार कोई माल ही होगा भाई साहब। सी, आपने उसको स्मेल से जज किया, मतलब उसका इंप्रेशन ऑटोमेटिकली पड़ चुका है। उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने, स्त्री या पुरुष ने कुछ भी नहीं बोला आपसे, बट जैसे ही वो एंटर हुए, उसकी स्मेल ने, उसकी एक फ्रेग्रेंस ने, उसके अच्छी खुशबू ने आपको एकदम से कर दिया, मतलब मजा आ गया, कितना अच्छा इंप्रेशन छोड़ा। ऐसे ही आपको इंप्रेशन छोड़ना है बाकी सारी लड़कियों पे। दूसरा पॉइंट है बियर्ड ऑयल। अब बियर्ड ऑयल लोग समझेंगे कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पहले मेरी बात सुनो, आज के टाइम में बियर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब बियर्ड इज द न्यू सिक्स पैक एब्स। हर लड़के के सिक्स पैक एब्स नहीं होते, बट ऑलमोस्ट आज के टाइम पे 98% लड़कों के बियर्ड होती है, ये आप एज अ स्टडीज चेक कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारी दाढ़ी में ग्रे हेयर आ गए, मतलब सफ़ेद बाल आ गए, या फिर हमारी दाढ़ी आती नहीं है, पैची आती है, कुछ लोगों के ये जो इधर से ऊपर नहीं आती, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी एक बियर्ड ऑयल ले लो, और अगर जिसकी मेरी जैसी ठीक ठाक दाढ़ी है तो मैं भी आजकल बियर्ड ऑयल यूज़ करने लग गया, क्योंकि यार ये जब मैं बियर्ड ऑयल लगाता हूँ ना तो आपके फेस पे एक अलग सी शाइन आ जाती है, तो जब फेस शाइन करता है, ग्लो करता, तो ये तो अच्छा लगता ही है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई इस टाइम कोई हमें बियर्ड ऑयल सजेस्ट कर दो, तो मार्केट में बथेरे बियर्ड ऑयल्स हैं, बट फिलहाल मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ अर्बन गबरू का बियर्ड ग्रोथ ऑयल बूस्टर। सबसे पहला काम करेगा ये आपकी जो बियर्ड हेयर ग्रोथ है उनको बूस्ट करेगा, मतलब जो आपके बियर्ड के बाल हैं वो और थोड़े जल्दी बढ़िया करेंगे। दूसरे नंबर पे पैची बियर्ड, और जिनके आपने देखा होगा ग्रे हेयर होते हैं, मतलब सफ़ेद बाल होते हैं, ये उनको भी हटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और तीसरे नंबर पर, जब आपने कभी देखा होगा जिनकी कभी कभार दाढ़ी बहुत रूखी होती है, बहुत मतलब एकदम ड्राई दाढ़ी होती है, ये उसको भी मॉइस्चराइज एंड नरिश करता है। एंड फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपकी बियर्ड में शाइन ऐड करता है, जैसे आप अभी मेरी बियर्ड में देख लेते हैं, एकदम प्रॉपरली वेल ग्रूम्ड, मेंटेन करने में मदद करता है। अब जानते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें है आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल, होहोबा ऑयल, टी ट्री ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, ब्राह्मी, भृंगराज, कसकस ग्रास, शंख पुष्पी जैसे अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। द बेस्ट पार्ट इज हर ब्रांड बोलता है हमारे प्रोडक्ट में ये है, ये है, ये है, बट आप एक्चुअली इस बॉटल में देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है, सारी चीज़ें साफ दिख रही हैं। और इस बॉटल की सबसे अच्छी बात है, एक्चुअली इस ब्रांड की सबसे अच्छी बात है, ये जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे मान लो अभी आपका ये बियर्ड ऑयल खराब हो गया या ख़त्म हो गया, तो जो इसके अंदर की जो रूट्स है ना उसको आपको फेंकना नहीं है, वो जो सारी चीज़ें उनको आपको फेंकना नहीं है, उनमें क्या करना है, आप जो भी आपके घर में कोई भी ऑयल है, मान लो अभी आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा कि अब मैं दूसरा बियर्ड ऑयल ले पाऊँ, तो कोई सा भी ऑयल लेना, इस बॉटल में डालना। अब ये क्या होगा, 2 से लेकर 3 दिन तक वेट करना, जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ना, जो सारे अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो उस ऑयल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसके बाद वो आपका नॉर्मल ऑयल भी ये बियर्ड ऑयल बन जाएगा, तो आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब मैं आपको बताता हूँ उसको यूज कैसे करना है। वैसे दो तीन ड्रॉप्स लोग बोलते हैं, बट मैं सजेस्टिंग कर रहा हूँ मेरा एक ड्रॉप में काम हो जाता है आराम से, क्योंकि मेरी बियर्ड अभी थोड़ी सी छोटी है। तो आपको क्या करना है, ऑयल निकालना अपने हाथ में, अपने पाम्स को रब करना, अपनी बियर्ड पे अच्छे से मसाज करना सर्कुलर मोशन में, ताकि ब्लड फ्लो बढ़ जाए। तो एक अच्छे से आपके चेहरे पर मस्त सा ग्लो आ जाएगा। बट ये ध्यान रखना आपकी पूरी बियर्ड बनानी चाहिए, क्या पता इधर लगा लिया और इधर नहीं लगाया। तीसरे पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा तीन चीजें, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और फेस वॉश। अब ये अगर तीन चीजें आपके पास है तो आपकी स्किन डैमेज उतनी ज्यादा नहीं होगी। अब मेरी बात सुनो, इन तीनों के काम क्या है। फेस वॉश आपके चेहरे से सारी गंदगी हटाएगा। बहुत सारे लोग फेस वॉश इग्नोर करते हैं कि हम भाई डॉक्टर सोप लगा लिया, हमारे आगरा में डॉक्टर सोप होता था, बहुत सस्ता था, लोग उसी से ही बाल धोते हैं, उसी से ही शक्ल धो लेते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी। दूसरे नंबर पर है सनस्क्रीन। आई स्वेयर सनस्क्रीन एक बार लेके तो देखो मेरे भाइयों, तुम्हारे हाथ जोड़ू क्या करूँ मैं। सनस्क्रीन आपके चेहरे की टैनिंग, यार बहुत सारी हार्मफुल रेज होती हैं, और हमें क्या लगता है कि सिर्फ हम जब बाहर जाएंगे तभी हम सनस्क्रीन लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको घर में भी सनस्क्रीन लगानी है दो बार, डॉक्टर तीन बार बोलते हैं, मैं आपको दो बार बोल रहा हूँ, दो बार भी नहीं, एटलीस्ट एक बार तो लगा लो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉइस्चराइजर। अब रात को मान लो बाहर जाना है तो सनस्क्रीन तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी ग्रीसी हो जाती है कभी कभार, बट कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, वो उतनी ज़्यादा ग्रीसी नहीं करते, तो मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो, वो बेटर रहेगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल जो रील्स चल रही है ना इंस्टाग्राम पे कि DIY डू इट योरसेल्फ, वो क्या करते हैं भाई, 10 रुपए का 10 मन तुम्हारा फड़ा, ये सबसे ज़्यादा हरामी होते हैं, ये सिर्फ व्यूज ले रहे हैं गाइस, तुम्हारी शक्लें खराब कर देंगे। आई स्वेयर किसी चेहरे पे कुछ भी लगा लो, देख गाली नहीं बक सकता ना। हाँ तो कुछ, अब मैं किसी को यार डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, बट मैं जब देखता हूँ कि भाई कोई आंख पतली कर रहा है, कोई पतली कर रहा है, वो भी कितने में 10-10, 50-50 के नोट और दिखा देंगे वो तो चूतिया बैठे हैं, इसका मतलब वो डॉक्टर सर्जन जो सर्जन वगैरह जो कोर्स वगैरह करके आए हैं, लाखों रुपए देके आए हैं, तो 15 रुपए में लोगों की नाक और होंठ पतले करवा रहे हो, समझ नहीं आता यार। फोर्थ पॉइंट है हेयर सीरम। अब हेयर सीरम सुन लो, बहुत सारे, मैं भी तुम्हारे में से एक ही हूँ, हेयर सीरम मेरे को लगता था बहुत ज़्यादा महंगा आता है, बट तुम्हें बहुत सस्ता, एक बार जाके मेरी इंस्टाग्राम रील्स चेक करो, बहुत सस्ते सस्ते हेयर सीरम बता रखे हैं। तो आपको क्या करना है, हेयर सीरम लगाना है। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकता रोज़ ऑयल लगाओ, रोज़ ऑयल लगाओगे वो बह के आपके माथे पे आएगा, माथे पे आके पिंपल्स करेगा, फिर आप मेरे को गंदी गंदी गालियाँ दोगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपको क्या करना है, हेयर सीरम लगाना है। मैं अभी भी अपने बालों में हेयर सीरम लगा के आया हूँ, क्योंकि अब मैं नहा के आया, पूजा करी, उसके बाद बालों में हेयर सीरम पहले से ही लगा लिया था प्री स्टाइलिंग, उसके बाद कपड़े पहने फिर जाके बाल स्टाइल करें। तो मैं प्रोडक्ट्स बालों में कम लगाता हूँ, सिर्फ कभी इवेंट वगैरह में, इवेंट तक बुलाया नहीं तो कभी शादी वगैरह में जाता हूँ ना, तब जाके हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, रोज़ यूज नहीं करता, बट ब्लो ड्रायर मेरे को यूज़ करना पड़ता है। सीरम लगा लिया उसके ऊपर, मैंने हीट प्रोटेक्शन मार लिया, उसके बाद मैंने ब्लो ड्राई करे। तो सीरम का काम इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बालों को ना ऑयल जैसा भारी नहीं करता, ऑयल लगा के बाल बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, एकदम घुंघरालू टाइप, मेरे बाल तो कर रही है ना। तो हेयर सीरम आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी और लाइट रखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब एक कोई भी कन्या आपके बालों में ऐसा करके हाथ फेरेगी ना, तो आपके बाल एकदम चिपचिपे नहीं होंगे और ना उसके हाथ चिपचिपे होंगे। अगर उसके हाथ चिपचिपे हो गए ना, तो यूँ करिए यार क्या लगा लिया बालों में सांडे का तेल, तो एक हेयर सीरम भी ले लेना। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिप बाम। अब लिप बाम बोलते हैं भाई, बस वहीं रुक जा भाई, अब हम लिप बाम के बारे में नहीं सुनेंगे। तो मेरे प्रिय वीर, मेरे भाई, मेरी बात सुन ले, अगर तेरे लिप्स एकदम फटे हुए होंगे ना, तो तेरे को पप्पी नहीं मिलनी, मेरी बात सुन ले। अच्छा तू बता, बंजर जमीन पर कभी हम जाके खेती करेंगे? नहीं होगा ना। ऐसे ही लड़कियां तेरे जब सूखा सूखा होठ है ना, उनको देख के पप्पी नहीं मिलेगी। अब लिप बाम सुनते ही ये मत समझना कि लड़कियों की चीज़ है, ऐसा नहीं है भाई, आजकल लड़कों के भी सेपरेट लिप बाम्स आने लग गए हैं। मैं हाथ पीछे छुपा रहा हूँ कि लिप बाम दिखाने के लिए, ठीक है? तो वैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरी तरह वैजलिन यूज़ कर लो, वैजलिन सबसे सस्ती आती है, तुम्हें पता ही है, तुम्हारा भाई भी ये यूज़ करता है तुम्हारी तरह, बट मैंने थोड़े से महंगे वाले लिप बाम भी यूज़ करे हैं। ये थोड़ा लिप मास्क है, लिप बाम नहीं है एक्चुअली, बट काम वही करता है। अगर आप इसको रात को लगा के सो गए तो अगले दिन आपको लिप बाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कोई करने आपको किस करे तो, क्योंकि वो फिर सारा सोख लेगी ना। तो ये जो हमारे क्रैक लिप्स होते हैं, ये होते क्यों हैं? सबसे पहले तो हाइड्रेशन के में पानी नहीं पीते हो, या फिर सुट्टे सुट्टे मारते हो तुम, सिगरेट वगैरह पीते हो, इस टाइप की चीज़ें, तो इस वजह से लिप बाम की प्रॉब्लम आती है। तो अपने लिए अगर वैजलिन ले सकते हो तो वैजलिन लेना, नहीं है तो छोटी मोटी वेबसाइट्स पे जाके सर्च कर लो कोई अच्छा लिप बाम मिल जाए तो, बट लिप बाम यूज़ करना स्टार्ट कर दो, होठ फटे हुए होठ किसी को अच्छे नहीं लगते, ना ही फटी हुई।
तो गाइज अगर आपको अर्बन गबरू का बियर्ड ग्रोथ ऑयल बूस्टर लेना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आयो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऊपर जो घंटा है उसको भी बजा देना। थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइज, आई रियली रियली लव यू गाइज, थैंक यू सो मच।